हाँ, तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे 10 ऐसे पॉइंट के बारे में कि क्यों आपको वीडियो मार्केटिंग जरूरत है, आपके बिजनेस के लिए वीडियो मार्केटिंग क्यों जरूरत है और वीडियो मार्केटिंग के हेल्प से आपका बिजनेस कितना ग्रो हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको मैं मुझे लगा कि आपको बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्यों आपको वीडियो मार्केटिंग करनी चाहिए और वीडियो मार्केटिंग से आपका बिजनेस को क्या फायदा मिलेगा। तो आपके ब्रांड वीडियो को एक ट्रेनिंग टूल के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, मतलब कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं और उनको भी आप वीडियो बना के, वीडियो के माध्यम से जो नया एम्प्लॉय है, जो न्यू जॉइनर है और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जिनको आप प्रमोट करना चाहते हो या उनको कुछ नया सिखाना चाहते हो, तो वीडियो के माध्यम से आप वो काम बड़ा आसान से कर सकते हो। इसलिए वीडियो आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई नया सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग हो या कोई नया कुछ नया रूल्स आया है कंपनी में, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में या कुछ नया चेंजेस हुआ है, उस सारे नया डेवलपमेंट के बारे में एक वीडियो बना के आपके जो एम्प्लॉयज है उनको आप एजुकेट कर सकते हो और ये बहुत कम खर्चा में हो जाएगा आपका और बहुत इफेक्टिव वे में हो जाएगा। तो इसलिए एज ए ट्रेनिंग टूल आप वीडियो को भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद वीडियो को आप कस्टमर सपोर्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। जो आपका आफ्टर सेल सर्विस रहेगा उसके लिए आप वीडियो को भी यूज कर सकते हो। मान लो कोई आपका कस्टमर है, आपका प्रोडक्ट खरीद लिए, उनको पता नहीं चल रहा है कि उसको यूज कैसे करना है या कोई फंक्शन कहाँ पे है, उसके लिए आप डिटेल वीडियो बना सकते हो। जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स वीडियो को यूज करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी कंपनी का सोनी, कैनन, किसी का भी कैमरा आता है मार्केट में, तो वो अपने कैमरा का एक डिटेल वीडियो बना देते हैं, वो कौन सा फंक्शन कहाँ पे है, वो कैमरा कैसे काम करता है, क्या क्या नया चीज़ डेवलप हुआ है, वो सारा आपको वीडियो में मिल जाएगा और कस्टमर को भी ईजी हो जाएगा समझने के लिए। कोई भी नया फंक्शन हो या फिर कोई कुछ अपग्रेड करना हो तो कैसे करना है, वो सारा आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक जो वीडियो बना दो और उसको कस्टमर को दे दो, तो आपको जो कस्टमर सपोर्ट का जो बहुत बड़ा खर्चा है, एम्प्लॉय हायर करो उसके और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करो, वो सारा खर्चा बच जाएगा, वीडियो के माध्यम से वो काम आसान से हो जाएगा। वीडियो को आप एक टेस्टिमोनियल की तरह भी यूज कर सकते हो। कस्टमर का जो फीडबैक है, आप देखोगे बहुत सारे वेबसाइट के नीचे लिखा हुआ रहता है कि कस्टमर क्या कहते हैं उस कंपनी के बारे में, कंपनी अच्छा है, सर्विस अच्छा है कि नहीं, वो सारे बारे में लिखा हुआ रहता है। लेकिन उसके जगह अगर आप वीडियो डाल देते हो वो ज़्यादा एंगेजिंग हो जाता है, क्योंकि वीडियो में एक इमोशन अटैच हो जाता है और कस्टमर क्या बोलता है डायरेक्टली कस्टमर के मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है। रादर आप किसी भी कुछ भी लिख दो नीचे, उसको पढ़ने में उतना ज़्यादा एंगेज होता नहीं है कोई भी नया आपके व्यूअर। लेकिन अगर आपका वीडियो फॉर्मेट में कोई भी वीडियो, कस्टमर का खुद का वीडियो अगर आपकी वेबसाइट में अवेलेबल है एज ए टेस्टिमोनियल, उसमें ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो आप वीडियो को एज ए कस्टमर टेस्टिमोनियल भी यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद वीडियो से आप आपके कंपनी का कल्चर भी दिखा सकते हो कि आपका कंपनी कैसे काम करता है, वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, आपका इंटीरियर कैसे है ऑफिस का, कितना बिल्डिंग कैसे है, वो सारे आप एक वीडियो के माध्यम से इजीली आप शोकेस कर सकते हो, ताकि नया एम्प्लॉय आपकी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए मतलब इंटरेस्टेड हो जाए। वीडियो में आप इजीली आपके ऑफिस के जो भी फैसिलिटीज हैं वो सारे आप दिखा सकते हो, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, आपके रेस्ट एरिया, आपके प्लेग्राउंड्स, आपके जो भी है एंटरटेनमेंट एरिया है, जो भी है वो सारा चीज़, आपके वर्क स्टेशन, आपके कंपनी जो एम्प्लॉय जहाँ पे बैठते हैं वो जो वर्क स्टेशन है उसको भी दिखा सकते हो, कितना कूल एनवायरनमेंट है, वो सब आप इजीली जो है शोकेस कर सकते हो एक वीडियो के माध्यम से। 2 मिनट का वीडियो बनाओ, उसमें से बहुत सारा चीज आप डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद एक वीडियो से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बहुत सारे हैं एक वीडियो शूट के, आप जो कंपटीशन है उनसे बहुत आगे रह सकते हो अगर आप वीडियो का यूज करते हो। बहुत सारे कंपनीज अपना जो मार्केटिंग है वो बहुत सारे दूसरे तरीके से करते हैं, लेकिन वही जगह पे अगर आप वीडियो से आपका जो है मार्केटिंग करते हो, वीडियो से आपका रिक्वायरमेंट है या आपकी कंपनी के बारे में, जो आपके प्रोडक्ट बारे में जो भी है वो अगर आप शोकेस करते हो, तो बाकी कंपटीशन से आप थोड़ा ऊपर रहोगे, क्योंकि ये ज़्यादा एंगेजिंग होता है जैसे मैं आपको पहले बताया। और एक सबसे बड़ा रीजन है वीडियो बनाने का, वो है मोबाइल फ्रेंडली होते हैं वीडियोस। आपको पता है आज पूरा दुनिया मोबाइल में बैठा है, हर घर किसी के हाथ में मोबाइल है और दिन भर मोबाइल पे स्क्रोलिंग होता रहता है। अगर उसी बीच में आपका वीडियो आ जाए और लोगों को पता चल जाए आपके बारे में, आपके सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में या आपकी कंपनी के बारे में, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। अगर आप एक वीडियो भी बना देते हो ना, उस वही वीडियो को आप हर प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हो। आपका यूजर चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म में है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आज डेट में, आप उस वीडियो को उस प्लेटफॉर्म में अपलोड कर सकते हो और व्यूअर्स के मोबाइल पे पहुंच सकते हो। आप उस कंटेंट को वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में अपलोड कर सकते हो और आपके जो टारगेट ऑडियंस है
उनके पास आप पहुंच सकते हो बड़े आसान से। वीडियो बनाने का और एक भी रीजन है कि आप एक्सटेंडेड रीच पा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों तक आपका वीडियो पहुंच सकता है। सिर्फ आपको एक बार टाइम इन्वेस्ट करना है, अपलोड कर देना है वीडियो को आपका जो भी रेस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आपके टारगेट ऑडियंस है। एक बार आप इन्वेस्ट कर देते हो वीडियो पे और उसके बाद आपके वीडियो पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचा जाएगा। जिसको भी वीडियो अच्छा लगता है वो वीडियो को शेयर करता है आगे, और ज़्यादा लोग देखते हैं वो शेयर करते हैं तो और ज़्यादा लोग देखते हैं। तो बस आपको एक बार वीडियो अपलोड करना है, उसके बाद आपका वीडियो जो है इजीली शेयरेबल हो जाएगा। जीरो से लेकर पता नहीं कितने लाखों करोड़ ऑडियंस तक आपका वीडियो इजीली पहुंच जाएगा। अब वीडियो मार्केटिंग का सबसे खास पॉइंट में से एक है आपका इमोशनल कनेक्शन। आप वीडियो के माध्यम से एक इमोशन का डिस्क्राइब कर सकते हो इजीली, जो आपके ऑडियंस जो आपके टारगेट ऑडियंस वो पसंद आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, आप रॉयल एनफील्ड के देख लीजिए बुलेट। एक टाइम में कंपनी डूबने वाला था, लेकिन इनका वीडियो मार्केटिंग इतना तगड़ा हुआ और ये अपने जो पर्टिकुलर सेगमेंट है जो मेंस बाइक कहते हैं ना, ये मेन को इतना टारगेट किया और इतना इमोशनली वो वीडियोस को बनाने लगे। उनका एक पूरा कम्युनिटी बिल्ड हो गया मेन का, और एक रॉयल एनफील्ड का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बेस बिल्ड हो गया, जिसके लिए आज रॉयल एनफील्ड जो है पूरा मार्केट में राज कर रहा है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। और ऐसे ही आपकी कंपनीज के लिए इमोशनल अटैचमेंट है उसको बिल्डअप कर सकते हो आपके कस्टमर के साथ। आप वीडियो को यूज कर सकते हो प्रोडक्ट फंक्शन डिटेल्स के बारे में भी। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो उसका जो डिटेल इन डेप्थ जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे काम करता है, वो कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी आप वीडियो को यूज कर सकते हो। कोई भी नया कस्टमर कोई भी नया चीज़ खरीदता है तो वो सबसे पहले जाहिर सी बात है थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इस चीज़ को कैसे मैं काम करूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले ये कैमरा खरीदा, मुझे इस कैमरे के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैं कैनन का वेबसाइट गया और उनके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे गया, वहाँ पे डिटेल्स वीडियो देखा मैं इस कैमरा का फंक्शनैलिटी क्या क्या है और इसको क्या क्या तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या क्या एडवांटेज है। वो सारे देखने के बाद मैं ये कैमरा को आज बेहतर तरीके से यूज़ कर पा रहा हूँ। सो आप भी आपके प्रोडक्ट जो है उनका ऐसा जो स्पेसिफिकेशन वीडियो बना सकते हो, उसका जो यूजर मैनुअल वीडियो से वो सारे बना सकते हो वीडियो के माध्यम से, ताकि आपके यूजर को ज़्यादा परेशानी ना हो। अगला जो पॉइंट है वो है इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। आज के डेट में आपको पता है मार्केट में कितने सारे इन्फ्लुएंसर बैठे हैं जो हर फील्ड में उनका जो काम दिखाते हैं शोकेस करते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है वो उनके माध्यम से प्रमोट करा सकते हो। आप इन्फ्लुएंसर्स को बुला सकते हो आपके कंपनी में, या इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलने के लिए, ताकि वो इन्फ्लुएंसर का जो ऑडियंस बेस है वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे और आप उससे अच्छा खासा पैसा कमाएं। आज के मार्केट में ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। हर कंपनी चाहता है कि कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर आए और उनके साथ वो वीडियो बनाए और उनके थ्रू अपना जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग करें। अब अगला जो पॉइंट है वो है रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब अगर आपको किसी को डायरेक्टली बात करना है तो जाहिर सी बात है आप सबके सारे कस्टमर के पास डायरेक्टली जा नहीं सकते ना। आपके कस्टमर पता नहीं कौन से शहर में है, कहाँ पे बैठा है, क्या कर रहा है, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट आपके कस्टमर से बात कर सकते हो। कैसे? वो लाइव वीडियो से। आप इंस्टाग्राम में लाइव जा सकते हो, आप YouTube में लाइव जा सकते हो। पहले से ही आपके जो ऑडियंस है उनको आप बता के रख दो कि हम इस टाइम में लाइव आने वाले हैं, और उस टाइम आपका जो ऑडियंस है वो लाइव आएंगे, आपका जो कस्टमर है वो आपको देखेंगे, लाइव देखेंगे, और आप उनके साथ लाइव इंट्रैक्शन कर सकते हो। उनका कोई भी सजेशन होगा, उनका कोई कंप्लेन होगा, उनका कोई डिमांड होगा, वो सारा आप लाइव देख सकते हो और उसका सोल्यूशन आप लाइव बता सकते हो। अब अगला जो पॉइंट है वो है सोशल शेयरिंग। आपका वीडियो कोई भी प्लेटफॉर्म में डाल दो, मान लो आपका वीडियो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पहले पहुंचा, मान लो आपका कस्टमर बेस सिर्फ 100 लोग है। आपका इनिशियल डेज में 100 कस्टमर मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो 100 कस्टमर को आप एक वीडियो दे देते हो और उनको आपका जो वीडियो पसंद आता है ना, वो डेफिनेटली वो वीडियो को आगे शेयर करेंगे, क्योंकि ये इजीली शेयरेबल है। कोई भी प्लेटफॉर्म का लिंक आप डाल दो और आपके ऑडियंस को बोल दीजिए और एक शाउट आउट कर दीजिए कि हमारा कॉन्टेंट है, इसको शेयर कर दीजिए, तो वो इजीली शेयर कर देंगे, ताकि वो और 100-100 लोगों के पास पहुंचे, वहां से लाखों लोगों तक आपका वीडियो शेयर हो जाए। उसमें आपका जो प्रोडक्ट के डिटेल्स है, प्रोडक्ट नॉलेज है आपका, बहुत सारे लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, इजीली पहुंच जाएगा। अब अगला जो रीजन है वो है एक्सेसिबल कंटेंट।
अब जैसे कि मैं आपको पहले बताया, वीडियो ना हर जगह पे एक्सेस किया जा सकता है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। जिसके हाथ में मोबाइल है वो आपके वीडियो को एक्सेस कर सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आपकी वीडियो को कितने प्लेटफॉर्म में डाल रहे हो। आप जितना ज्यादा प्लेटफॉर्म में डालोगे आपका जो कॉन्टेंट है उतना ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में डालोगे तो कम लोग देखेंगे, लेकिन आप वही कॉन्टेंट को, सेम कॉन्टेंट को आप 10 अलग प्लेटफॉर्म में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक एक्सेस हो जाएगा, ग्लोबली चला जाएगा। कभी कभार अगर आपका कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में बनाते हो तो आप इंडिया का वीडियो अमेरिका के लोग भी देख सकते हैं। इसलिए ये सबसे बेस्ट एक्सेसिबल हुए है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब उसके बाद अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है आपके बिजनेस का, या कोई नया सर्विस आप ऐड कर रहे हो, तो उसका जो प्रोडक्ट वीडियो है या अनाउंसमेंट जो वीडियो है वो भी आप इजीली बना सकते हो और इजीली आपके जो कस्टमर तक पहुंच सकते हो, उनको अवेयर करा सकते हो कि ये हमारा नया प्रोडक्ट आया और इसको आप खरीदिए और ये अपडेटेड वर्जन है, जो भी है आपका जो भी अनाउंसमेंट है वो आप इजीली अनाउंस कर सकते हो। तो अगला जो रीजन है, वीडियो को आप बिहाइंड द सीन शूट करने में भी आप यूज कर सकते हो। मान लो आपका कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विसेस है, उसको आप बनाते कैसे हो या उसको आप कस्टमर तक पहुंचाते कैसे हो, आप और बिहाइंड द सीन वो काम होता कैसा है उसको आप एलाबोरेट कर सकते हो वीडियो के माध्यम से। लोगों को प्रोडक्ट तो पता है लेकिन वो बनता कैसा है और उसका जो क्वालिटी कैसा है वो पता होता नहीं है। बहुत सारे कंपनीज का वीडियो देखोगे वो ये बताएंगे कि ये प्रोडक्ट बना कैसा है। फॉर एग्जांपल आप एप्पल को ही देख लो, एप्पल सिर्फ अपना मोबाइल नहीं बेचता, वो एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ये बताता है कि मोबाइल बना कैसा है, उसका फीचर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या जो पार्ट्स है उसका क्या क्या सारे डेवलपमेंट्स किए गए, वो सारा चीज वो आपको बताता है। वो सब बिहाइंड द सीन होता है। आप बिहाइंड द सीन वीडियो बना के भी आपके जो कस्टमर है उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि बिहाइंड द सीन के वीडियो के माध्यम से कस्टमर को पता चलता है ट्रांसपेरेंट क्या चीज है, वो सारे चीज पता चल जाता है। तो अगला जो पॉइंट है वो है इवेंट कवरेज। आपका बिजनेस हो चाहे ऑफिस हो, आप जब इवेंट करते हो किसी भी तरह का, क्वार्टरली इवेंट हो, मंथली इवेंट हो, किसी भी तरह का इवेंट करते हो, उसको आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और उस सेरेमनी को, आपका जो इवेंट है उसको आप कितना एंजॉय करते हो उसमें, वो आप आपके कस्टमर को दिखा सकते हो। वहाँ पे आपका ऑफिस का कल्चर, आपके एनवायरमेंट कल्चर वो सारा एक्सप्लेन हो जाएगा, ताकि आपका जो नया एम्प्लॉय है और नया जो आपके कस्टमर से वो आपके ब्रांड को लेकर ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। इसमें आपका एक ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगला रीजन है लॉन्ग लास्टिंग कंटेंट। वीडियो आप एक बार बना दो वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेगा। चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म में अपलोड कीजिए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एन नंबर प्लेटफॉर्म से आप कोई भी प्लेटफॉर्म से अपलोड कीजिए, आप एक बार अपलोड कीजिए वो लाइफ टाइम तक आपके साथ काम में आएगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि आप उसको रीयूज भी कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि आप हर बार आप नया नया वीडियो बनाते रहो, सेम वीडियो को आप 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद फिर से यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपके कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है तो आप वही वीडियो को सेकेंड टाइम भी यूज कर सकते हो। अगला जो रीज़न है वो इम्प्रूव कम्युनिकेशन है। वीडियो के थ्रू, जैसे मैं पहले आपको बताया, आप आपके कस्टमर के साथ, एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ या आने वाले कस्टमर के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो बहुत सारे माध्यम में। सबसे ईजी है इंस्टाग्राम लाइव एंड यूट्यूब लाइव। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें आप वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हो। कि मान लो आप पहला वीडियो अपलोड किए, वहाँ पे आपके जो व्यूअर है वहाँ पे नीचे कमेंट किए कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, किसी को कुछ प्रॉब्लम दिखा होगा, किसी ने कुछ सजेशन किए होंगे, किसी ने कुछ नया डिमांड किया होगा, वो आप आपके अगले वीडियो में डिस्क्राइब करके एक कम्युनिकेशन बिल्डअप कर सकते हो, ताकि आपका आगे जाके एक अच्छा कम्युनिटी बिल्डअप हो जाए। और कम्युनिटी एक बार बिल्डअप हो गया वो आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।